हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू द न्यू वीडियो। ये गेमिंग वीडियो नहीं है, ये माउस का अनबॉक्सिंग वीडियो है जो हमने रिसेंटली परचेस किया है। भाई ये काफ़ी अच्छा माउस लगा था हमें अमेजोन पे अंडर 1500, और ये बहुत ही अच्छा निकल चुका है। और ये भाई एक्चुअली बताऊँ तो काफ़ी लाइट वेट है यार, वेट काफ़ी लाइट वेट है। चलिए एक बार फर्स्ट लुक देखेंगे। भाई ये क्या प्यारा सा ट्रांसपेरेंट माउस है भाई, मैं जिंदगी में सच्ची फर्स्ट टाइम देखा हूँ। भाई क्या प्यारा माउस है यार, काफ़ी प्यारा है इसका फर्स्ट लुक है। और भाई एक्चुअल में ये वेट के हिसाब से और ब्रेडेड केबल भी, भाई ये प्राइस पॉइंट के हिसाब से भाई वर्थ वर्थ द डील है यार। भाई जो भी अगर ये रेंज में देख रहा है ना, भाई क्या साउंड है यार। लेकिन इसके मामले में तो यार भाई, अगर आप क्वालिटी के मामले में बोलोगे तो 10 of 10 है। ये आपका DPI का बटन आ जाता है, ये पोलिंग रेट का आ जाता है। भाई थोड़ा सा इसका पोजीशन नॉर्मल नहीं है, बट ठीक है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो एक बार। बाकी जो आपको एक और ऑप्शन मिलता है DPI और पोलिंग रेट चेंज करने का, वो दूसरी जगह है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे वीडियो में। भाई ये ट्रांसपेरेंट यार अलग ही लगता है, बस वाइट कलर का इशू है। बाकी भाई बहुत प्यारा माउस है। भाई एक बार हम अगर इसकी ब्रेडेड केबल की तरफ देखेंगे ना, इधर एक नेगेटिव पॉइंट है, मैं आपको अभी बताता हूँ। ये जो केबल है काफी पतली सी है, मतलब ऐसे शूलेस टाइप का मटेरियल होता है ना, एकदम पतली सी। तो आपको पूरी जो अंदर ऐसे तीन या चार केबल्स होती है, चार पांच सारी फील होती है। तो ये एक मैं कह सकता हूँ निगेटिव पॉइंट भी। अगर इसमें प्लस पॉइंट आप पकड़ोगे तो वेट रिडक्शन में भी काउंट होता है, कि अगर जाड़ी ब्रेडेड केबल होगी तो आप समझ सकते हो। भाई ये RGB चालू होते से यार अलग ही जगमग वाली फील है। और ये माउस काफ़ी अच्छा है, बट अगर मैं बताऊं ये सामने से बहुत ज़्यादा ब्राइट है। जो इसकी लाइट है काफ़ी ब्राइट है, और आपको कभी हो सकता है नाइट टाइम में इशू भी दे। तो आप या तो इसे प्रेफर करेंगे ब्राइटनेस कम करना, या तो बंद कर देना। ये हमारा है एंडी स्पोर्ट्स का सॉफ्टवेयर, इसमें आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस है। देखिए जैसे आप कोई भी, जितने सारे बटन्स है ना, सारे के सारे कस्टमाइजेबल है। और कस्टमाइजेशंस में ऑप्शंस भाई बिल्कुल भी कमी नहीं है, मतलब हर बटन पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। आप होम बटन पे भी जा सकते हो, उसके बाद सॉन्ग भी चेंज कर सकते हो, वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकते हो। तो काफ़ी काफ़ी अच्छा लगा है इस मामले में मुझे इसका सॉफ्टवेयर। और भाई काफ़ी चीज़ें कस्टमाइजेबल है, और मैं आपको जैसे कि बताया था DPI पोलिंग रेट सब आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। ये सॉफ्टवेयर से आप पोलिंग रेट भी चेंज कर सकते हैं, DPI भी चेंज कर सकते हैं। और ऊपर से आपके पास DPI में कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी है, कि भाई आप 800 DPI या 1600, इनमें से कोई एक डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, कि आपको मतलब वो स्किप करना है तो सीधा आप जब DPI बटन पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट स्किप करके सेकेंड इस पर चले जाएगा। और हर DPI के लिए अलग कलर भी है, और हर DPI में आप उसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हो, मतलब जैसे उसकी रेंज है आप हर, मतलब काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेबल माउस है। हर चीज़ में कस्टमाइजेशन इसमें बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। और अगर हम इसकी देखेंगे तो जैसे जो पूरी RGB है, पूरी RGB इसमें आप चाहे ब्रीदिंग इफेक्ट कर सकते हैं, वाटर फ्लो इफेक्ट कर सकते हैं, और काफ़ी इफेक्ट्स है जो आपको पसंद है। और इसकी RGB मतलब आपको, जैसे कि आपको पिंक नहीं पसंद, ब्लू नहीं पसंद, तो आप काफ़ी चीज़ें मतलब अवॉइड भी कर सकते हैं। आप मिस क्लिक करके बंद कर दें वो कलर, बहुत इजी है। ब्राइटनेस भी आप चेंज कर सकते हैं, स्पीड भी चेंज कर सकते हैं उसका, लाइट फ्लो का। और ब्राइटनेस मैं आपको बताने वाला हूँ, आप लोग कम ही रखने वाले हो, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है इस चीज़ का। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन द वीडियो, और होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो और पूरा नॉलेजेबल होगा। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बिंदास पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट में। एंड होप यू ऑल लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।